भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक गुरुवार को रांची में संपन्न हुई। बैठक में जनजाति मोर्चा के प्रभारी वी सतीश, केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा समेत कई नेताओं ने शिरकत की। बैठक के बाद बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कहा कि इस बैठक में राज्य की वर्तमान स्थिति और आने वाले समय में संगठन से जनजाति समुदाय के लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इस पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही वर्तमान हेमंत सरकार ने जनजाति समुदाय को ठगने का काम किया है, इससे भी जनजाति समुदाय को जागरूक किया जाएगा। सारे विषयों को लेकर के यह कार्य समिति में बातें आगे बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी इसी आधार पर राजनीतिक प्रस्ताव भी यहाँ पर लाएगी। वर्तमान समय में जिस प्रकार से जो हमारे केंद्र के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जनजाति क्षेत्रों के लिए चाहे देश के सभी वर्गों के लिए सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ काम कर रही है, उसकी भी चर्चा होगी। और इस प्रदेश में जिस प्रकार से जो है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश में विकास के कामों को ठप कर दिया है और खास करके जनजातीय को किस प्रकार से जनजाति समाज को जो है ड्रोस हो रहा है, आघात हो रहा है, किस प्रकार से विश्वासघात किया गया है, चुनाव के समय में जनजातियों के मसीहा करके वोट बैंक लेने का काम किया है और जैसे सत्ता में आया और यहाँ के आदिवासियों को हत्या करने का काम कर रहा है, अपराधी विवादियों को बढ़ाने का काम कर रहा है। यहाँ प्रदेश के हमारे जितने हमारे जो सभी जिले के अंदर रहने वाले जनजाति भाई बहनों का माताओं का किस प्रकार से दुराचार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म हो रहा है और हत्याएं कर दी जा रही है, सारे विषयों को हम जो है यहाँ कार्य समिति में लाने वाले हैं और किस प्रकार से इस प्रदेश की जो संसाधन है उस संसाधन को राज्य के कोष में नहीं डाल करके अपने मंत्रिमंडल लोग व्यक्तिगत कोष में डालने का काम हो रहा है, चाहे संथाल परगना के तरफ जो माइनिंग के क्षेत्र को ले लीजिए, चाहे तो विकास के विभिन्न विभाग के जो आयामों को ले लीजिए, वहाँ विकास का एक काम प्रारंभ नहीं किया गया है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में विकास का काम प्रारंभ हुआ है हुआ था, वैसे योजनाओं का पैसा को भी हड़पने का काम कर रहा है और विकास के काम को नहीं बढ़ाया है और खास करके जनजातीय क्षेत्रों के लिए जनजाति विकास के लिए तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है। भारत सरकार ने जिस प्रकार से जो है वन धन योजना के माध्यम से यहाँ झारखंड में रहने वाले वनोत्पाद को बढ़ाएंगे इसलिए जो पैसा दिया था उसका भी यह उपयोग नहीं कर रहा है और पैसा एक के माध्यम से जो है यहाँ के लोगों को जो है सुविधा होना चाहिए, शासन का जो है स्वरूप तैयार करना चाहिए, इस पर भी यह सरकार कभी भी पहल नहीं कर रही है बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपना विकास अपना झोली भरने का ही काम कर रही है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।